हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल की सिस्टर हूँ और राहुल ने 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, जिसके लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी। थैंक यू अ लॉट, आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। राहुल के आने वाले वीडियोस या पुराने वीडियोस प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और प्लीज़ आपको अगर उसके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए लाइक बटन भी दबाइए। और राहुल को आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। और आज इसी बात के लिए मैं आपसे अपना एक रेसिपी शेयर करना चाहूँगी जो मेरी मम्मी बनाती थी, आलू बैंगन की सब्जी, और हम बहुत पसंद है हमें। चलिए मिलके साथ में बनाया जाए। और आपको ये वीडियो भी अगर पसंद आया तो लाइक मारिए इस वीडियो को और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब चलिए मेरे साथ रेसिपी बनाते हैं आलू बैंगन की सब्जी। आप इसमें आलू और बैंगन अपने तरह से कट कर सकते हैं, और बैंगन भी आप छोटे वाले भी ले सकते हैं और बड़े वाले भी ले सकते हैं। तो चलिए साथ में बनाया जाए। हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है। आयरन कढ़ाई में खाना बनाने से, सब्जी बनाने से बहुत अच्छा सब्जी बनता है। तो उसमें पहले हम 2 टेबलस्पून घी ऑयल लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें जीरा डाला। गरम होने पे थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन चिली, गार्लिक चॉप्ड लहसुन डाला तड़के में। तेल आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, बट तेल थोड़ा ज़्यादा रहने से ही ये सब्जी बहुत अच्छा बन के आएगा। लहसुन और चिली ऑलमोस्ट डन है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और थोड़ा वेट करेंगे इसको ब्राउन होने में। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑनियन ब्राउन हो रहा है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। वैसे आप, अगर आपको चाहिए तो आप इसको और ब्राउन भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से आलू डालेंगे, ये लगभग 2 बड़े आलू हैं। मैंने आलू को थोड़ा बड़ा ही काटा है वेजेस स्टाइल में, बट आप चाहिए तो आप इसको छोटा भी काट सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे स्वादानुसार टू टेस्ट, ज़्यादा नहीं। आलू थोड़ा थोड़ा फ्राई होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा आंच आप हमेशा मीडियम ही रखिएगा या मीडियम हाई पे रखिएगा कि आलू अच्छे से भून के आएगा। ऐसे आप देख सकते हैं आलू थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, तो अब हम इसमें अपने बैंगन डाल देंगे। मैं फिर से बोलूँगी, मैंने इसको बड़ा बड़ा काटा है, आप इसको हाफ भी कर सकते हैं या स्मॉल डाइसेस में भी कर सकते हैं। इसे अच्छा सा मिक्स करके हम इसको तुरंत ढक देंगे
अभी हमने इसमें मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट या नमक डाला है बस। हम अपनी सब्जी को फिर से देख लें थोड़ी देर बाद। हमें ऐसा ही कलर चाहिए ब्राउन बैंगन में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस समय हम अपना थोड़ा नमक डाल लेते हैं। फिर चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, ये सब मसाले हम डालेंगे एक एक करके। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालिएगा, और हल्दी। और इसे अच्छे से भूनिए जब तक आपका सारा सब्जी अच्छे से भून जाए और पक जाए। इसको ढक दीजिए। एक बार ये जब पक जाएगा तब हम इसे ऐसे ही स्लाइस्ड किए हुए टोमेटोज डालेंगे। मैंने रफली 1.5 टोमेटो लिया है। इसे भी आप अपने पसंद से छोटे छोटे कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, या ऐसे डाइसेस भी डाल सकते हैं। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 10-15 मिनट बाद आप देखिए आपकी सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। और अब हम इसमें सारे टोमेटोज ऐड कर लेंगे। और एक मिक्स दे देंगे। फाइव मिनट्स हम ऐसे फिर से कुक कर लेंगे और हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब देखिए आपकी सब्जी ऐसे कुछ कुछ दिखेगी, जहाँ पे टमाटर पूरी नहीं गली हुई है। मुझे आधा टमाटर ही गला हुआ अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको पूरा भी भून करके एकदम पका सकती हैं। सब्जी क्योंकि अब तैयार हो गई है तो हम इसमें खूब सारा धनिया डाल देंगे। और बस हमारा ये सब्जी तैयार है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ, राइस एंड दाल के साथ खाइए, या सिर्फ राइस के साथ मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक आप इसको टैकोस में भर के, सैंडविच के जैसे ब्रेड में भर के भी खा सकती हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। टॉर्टिला रैप बना के, रोल्स बना के, कुछ प्याज और खीरे के साथ, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा।